राजस्थान सरकार पर्यावरण विभाग के तत्वाधान में आज मंगलवार को प्रातः 11 बजे विश्व विख्यात खारे पानी की सांभर झील में वेटलैंड क्षेत्र में रिसर्च और अध्ययन किया गया। इस दौरान राजस्थान सरकार पर्यावरण विभाग की तरफ से डॉक्टर एवं प्रोफेसर सुदास और बीकानेर यूनिवर्सिटी के रोग निदान प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. कटारिया ने भीलवाड़ा की संगम यूनिवर्सिटी के 15 विद्यार्थियों के साथ झील के लगभग 4 से 5 हिस्सों से झील के पानी, झील की मिट्टी, पक्षियों के पंख व पक्षियों के मल और पानी में पाए जाने वाले परजीवियों की जांच हेतु सैंपल एकत्रित किए, ताकि प्रवासी व स्थानीय पक्षियों में होने वाले रोगों व बदलाव की जांच की जा सके। वाइल्ड लाइफ क्रिएटर ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक ओम प्रकाश सैन ने बताया कि संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा की डायरेक्टर एंड रिसर्च डेवलपमेंट प्रोफेसर सुधा और बीकानेर यूनिवर्सिटी के रोग निदान के प्रोफेसर कटारिया प्रोफेसर नलिनी कटारिया व उनकी रिसर्च टीम झील में पहुंचकर शाकंभरी माता मंदिर, रतन तालाब, झपोक डैम के साथ ही आसपास के क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ रिसर्च टीम के विद्यार्थियों ने झील के पानी की आर्द्रता व लवणीय स्थिति के बारे में बताया। WCO टीम के सदस्य अभिषेक वैष्णव, मोहित शर्मा और रोशन कुमावत ने सैंपल लेने के दौरान अपना सहयोग किया। बोलते हैं तो वो उनका जियो फिजिक्स है बर्ड्स की, ठीक है ना। और उसके अलावा भी बर्ड्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एरोडायनामिक्स हम जो यूज़ करते हैं, तो एरोडायनामिक्स के फीचर्स बर्ड्स में अवेलेबल हैं। उनका जो विंग्स का एस्पेक्ट रेशियो है, देर आर सो मेनी थिंग्स विच गवर्न दिस माइग्रेशन। तो इसीलिए जो माइग्रेशन इनका है, ये एक फिजियोलॉजी का पार्ट है और लाइफ साइकिल का पार्ट है, विच स्टार्ट फ्रॉम ब्रीडिंग टू विंटरिंग। और इसमें ये चलते हैं और आइडेंटिफाई भी करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इसीलिए जैसे सांभर में ये ट्रेजेडी हुई, क्यों हम लोग यहाँ हैं और किस लिए, मतलब आफ्टर दैट ट्रेजेडी फिर हम सोच रहे हैं कि ऐसी ट्रेजेडी नहीं हो जिसमें आप लोग रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि बर्ड्स को एक बार पता लग जाए कि यहाँ पर ट्रेजेडी हुई थी, तो फिर वो वहाँ नहीं आते हैं। इस तरह का इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इसीलिए हमें लगता है कि इनके माइग्रेशन का जो पाथवे है वो हमें बहुत इजी बनाना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। और ये एक बहुत स्मॉल उससे करके बहुत लार्ज एरिया कंट्रीज, इनके बीच में ट्रीटीज और सब पे डिपेंडेंट एक प्रोसेस है, ताकि उनको पाथ अच्छी तरह से मिले। और आप लोग जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो एक हमारे ब्रेन में रीजन होता है हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस में क्या होता है कि न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स में न्यूरोजेनेसिस और सब होता है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें जो न्यूरोनल प्लास्टिसिटी एक वर्ड होता है साइंटिफिक, उसके लिए वो मैक्सिमम होती है इनमें बर्ड्स में। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दिस एंड गवर्न्स दिस माइग्रेशन एंड एवरी मूवमेंट। तो इस तरह की है, और हम लोग बातें करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मतलब ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों यहाँ हैं और हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, और साइंटिफिकली क्या चीज़ है जो माइग्रेशन को, बर्ड्स के माइग्रेशन को गवर्न करती है। थैंक यू।